हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पर हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं महाराजा गंगाधर राव के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, जीवन की कुछ कही अनकही बातों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा इनका जन्म 1797 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड के झांसी साम्राज्य के राजा गंगाधर राव नेवालकर एक बुद्धिमान बलवान होने के साथ साथ कला और संस्कृति के प्रेमी भी थे। इनके पास ज्ञान और गुणों का भंडार था। इनसे अंग्रेजी भी बेहद प्रभावित थे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा झांसी सी का महाराजा पद सौंपा गया। इन्होंने इनकी पत्नी के नाम से भी जाना जाता है, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के पति हैं। जी हाँ दोस्तों, गंगाधर राव नेवालकर उत्तरी भारत में झांसी के महाराजा थे। ये मराठा साम्राज्य के बादशाह थे। इनके पिता शिव राव भाऊ थे। झांसी में पहले मराठा साम्राज्य के गवर्नर रघुनाथ हरी नेवालकर के वंशज थे। ये रत्नागिरी जिले से आए थे और इनमें से कुछ खानदेश चले गए थे। रघुनाथ हरी नेवालकर ने बुंदेलखंड में मराठा राजनीतिक को मजबूत किया। जब ये बूढ़े हो गए और सत्ता संभालने में असमर्थ हो गए तब अपने छोटे भाई शिवराव भाऊ को शासन सौंप दिया। जब 1838 में शिवराव भाऊ का निधन हुआ तो झांसी की हालत ठीक नहीं थी। तब ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव को झांसी का राजा नियुक्त किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का कहना था जब तक हमें हमारा कर्ज नहीं दिया जाता तब तक हम राजकीय कार्य में शामिल रहेंगे और झांसी का पूरा शासन गंगाधर राव करेंगे। इस प्रकार झांसी में अंग्रेजों को कुछ अधिकार देना पड़े। जी हाँ दोस्तों, गंगाधर राव की शादी तो आपको बताना चाहूंगा, महाराजा गंगाधर राव का विवाह मई 1842 को मणिकर्णिका से हुआ था, जो कि मोरपंत तांबे और भागीरथी की संतान थी। शादी के बाद इनका नाम बदलकर हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी जी के नाम पर लक्ष्मी बाई रखा गया। जब इनका विवाह हुआ तो झांसी की स्थिति बदल गई और कई सकारात्मक परिणाम हुए, इसलिए महाराजा अपनी पत्नी के कदमों को बहुत शुभ मानते थे। उनका कहना था कि रानी के उनके जीवन में आ जाने से उनके शासन की उन्नति और विकास हुआ है। वे रानी को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते थे। झांसी के आन बान और शान के लिए राजा राव और रानी ने खुद को समर्पित कर दिया। इनकी गौरव का गुणगान आज भी झांसी में सुनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, महाराजा गंगाधर राव और उनका शासनकाल। जी हाँ दोस्तों, गंगाधर राव एक साहसी और ज्ञानी राजा थे। इन्होंने 1843 से 1853 तक झांसी का साम्राज्य संभाला। जब इन्हें झांसी का राजा बनाया गया तब झांसी की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तब इन्होंने अपनी कुशल नीति से झांसी की वित्तीय स्थिति में सुधार किया। इनके शासन में झांसी के विकास के लिए कई कदम उठाए गए। इन्होंने 5000 सैनिक की सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। रघुनाथ राव के शासन में राज्य पर बहुत कर्ज हो गया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला लिया कि जब तक उनका कर्ज वापस नहीं मिलेगा तब तक वे यहाँ के शासन में हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन जब गंगाधर राव ने शासन संभाला तब अंग्रेजों का सारा कर्ज चुका दिया और झांसी की हालत पहले से काफी अच्छी हो गई। लेकिन ब्रिटिश फिर भी झांसी साम्राज्य को हथियाना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिश ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी हमेशा झांसी में रखी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा कि महाराजा गंगाधर राव पुत्र प्राप्ति और उस पुत्र की मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, 1851 में महारानी ने एक बालक को जन्म दिया। झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराजा बेहद खुश हुए क्योंकि उनका उत्तराधिकारी उन्हें प्राप्त हो गया था। अब झांसी साम्राज्य को उनसे कोई नहीं छीन पाएगा। लेकिन राजा की इस खुशी को नजर लग गई और केवल 4 महीने के बाद ही इस बालक की मृत्यु हो गई। राजा और रानी बेहद दुखी हुए। पूरे साम्राज्य में दुख के बादल छा गए। जी हाँ दोस्तों, महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु, तो आपको बताना चाहूंगा कि पुत्र की मृत्यु पर गहरा असर हुआ। वे सदमे में चले गए और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। लॉर्ड डलहौजी के रूल के कारण झांसी के राजा बहुत चिंतित थे। उन पर कोई दबाव का असर नहीं हो रहा था और फिर नवरात्रि के समय वे माता की पूजन करते वक्त अचानक से बहुत अधिक बीमार हो गए और दशहरे के दिन ये पता चला कि राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया है। दूर दूर से बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया लेकिन महाराजा की हालत बहुत खराब हो गई और इन्होंने अंग्रेजी उपचार के लिए साफ इनकार कर दिया था। आखिर में 20 नवंबर 1853 को इनकी मृत्यु हो गई।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी की हालत। जी हाँ दोस्तों, महाराजा गंगाधर राव की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही साहसी महिला थी। केवल 18 साल की उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई को शासन सौंपा गया। अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने बड़ी ही समझदारी से झांसी साम्राज्य का शासन संभाला। इन्हें बचपन से ही एक पुत्र की तरह परवरिश दी गई। इन्हें घर में ही पढ़ाया गया, जिसमें इन्हें घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी का हुनर, तात्या टोपे और नाना साहिब के साथ सिखाया गया। झांसी साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण ब्रिटिश झांसी साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने चाहते थे, इसलिए इन्होंने झांसी की रक्षा करते हुए 1857 की क्रांति के बाद अपने प्राणों की आहुति दे दी और स्वयं को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, महाराजा गंगाधर राव की छत्री तो बताना चाहूंगा, राजा गंगाधर राव के समर्पण और सेवा की याद में महारानी लक्ष्मीबाई ने महाराजा के सम्मान में एक छत्री का निर्माण किया। एक छत्री को गंगाधर राव की वीरता का प्रतीक और उनके नाम से जानी जाती है। यह बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, जो कि टूरिस्ट को विशेष रूप से आकर्षित करता है। छत्री महाराजा की गौरव गाथा का प्रतीक है। गंगाधर राव ने झांसी की रक्षा करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। ये एक न्यायप्रिय, प्रजा प्रिय, स्वाभिमानी राजा थे। इनके स्वाभिमान की कई कहानियां सुनाई जाती है। इन्होंने बहुत सूझबूझ से शासन किया और झांसी को उन्नति की ओर अग्रसर किया। इनकी वीरता की कहानी सालों से सुनाई जा रही है। हमें गर्व है कि भारत की भूमि पर ऐसे महान राजा ने जन्म लिया, अपना जीवन अपनी मातृभूमि के नाम कर दिया। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको स्टोरी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पर ला सकें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए।